तुम हमारे साथ घर वापस जा रही। नहीं दादा, अब ज्यादा घबरा रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम अभी भी इस बात का इंतजार कर रही हो कि विराट यहाँ हमेशा की तरह आएगा और तुम्हें हर रोज दवाई देकर जाएगा? पत्र लिखा। मैं किसी के आने का इंतजार नहीं कर रही पाकी दीदी। तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो, जबकि सारी गलती उस आदमी की है और वो आराम से अभी भी उस औरत के साथ रह रहा है। दादा प्लीज, अब विराट से मैं जिक्र मेरे सामने मत कीजिए। किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं थमती है, कुछ नहीं बदलता है, तो तुम क्यों बदल रही हो? तुम खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती? सही घर पे सब कैसे हाँ? और काकू, काकू की तबीयत कैसी है? काकू अपनी दवाइयाँ ले रही है टाइम पे, और उनकी सेहत? सबकी सेहत ठीक है, लेकिन हाँ कोई और है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। किसकी? श्रुति का फोन आया था, उसी ने बताया कि विराट बहुत बीमार है और वो बेहोश हो गया था।